एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट, बहुत अच्छे तरीके से। आप बस वीडियो कंप्लीट देख लिया करो, काफ़ी छोटे टाइमिंग का मेरा वीडियो रहता है लेकिन कंप्लीट टॉपिक रहता है, तो आप वीडियो बहुत ध्यान से देखा करो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से समझते चलना है कि सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? द्रविड़ थे। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? तो उत्तर में जम्मू कश्मीर तक था, पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था, पश्चिम में सुतकागढ़ और बलूचिस्तान पाकिस्तान तक था, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना था? तो 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल कितना था? 12,99,660 वर्ग किलोमीटर। इसका समय क्या था? तो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है कि सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से थे? तो आपको ट्रिक याद रखना है, मोहन का गदाहारा, मोहन जोदड़ो, कालीबंगा, गढ़वारी वाला, धोलाबीरा, हड़प्पा और राखीगढ़ी। ठीक है, अब हमें ये ध्यान रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल कहाँ था। ठीक है, तो आपको एक ट्रिक याद रखना है, रोका आलम ने पंजा राज यूपी में, रो से बना रोपण, पंजा से बना पंजाब में, का से बना कालीबंगा, राज से बना राजस्थान में, आलम से बना आलमगीरपुर यूपी में। ठीक है, आगे याद रखना है कि बनमाली, भगवानपुरा और राखीगढ़ी ये तीनों हरियाणा में है। ट्रिक ऐसे समझ सकते हो, बोले राखी वन में भगवान होता है और वन हरा भरा होता है। राखी वन में भगवान होता है और वन कैसा होता है? हरा भरा। तो राखीगढ़ी, भगवानपुरा और बनमाली कहाँ पर है? हरियाणा। ठीक है, गुजरात में कौन कौन सा है? तो आपको ट्रिक बोलना है, गुजरात के धौला देश से रंग लो, गुजरात के धौला देश से रंग लो, तो धौलावीरा, देसलपुर, रंगपुर और लोथल। ठीक है, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं? तो ध्यान रखना है, सुतकागेडोर, बालाकोट, हड़प्पा, कोटदीजी, मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो। ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में। ठीक है, आगे बात करते हैं। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, ध्यान से पढ़ते चलना। सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम था हड़प्पा सभ्यता। इसकी विशेषता थी नगर नियोजन, व्यवसाय था कृषि, फसल गेहूं और जौ, इनकी लिपि थी भावचित्रात्मक, जिसको ब्रष्टोफेदम बोलते हैं, जो दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं लिखी जाती थी। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता थी कांस्ययुगीन और उसकी आकृति थी त्रिभुजाकार। यह पूजा की जाती थी मातृ देवी की। समाज था मातृसत्तात्मक। महत्वपूर्ण वृक्ष था पीपल और बंदरगाह था लोथल। ठीक है, समकालीन सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। मिठास के लिए ये लोग प्रयोग करते थे शहद का। यहाँ पर शवों को जलाने और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। फाकेता एक पवित्र पक्षी माना जाता था। पतन का कारण था जलवायु परिवर्तन, बाढ़ का प्रकोप या आर्यों का आक्रमण। ठीक है, विशेषता थी ये कांस्ययुगीन, नगरी, व्यापार प्रधान। ये लोग घोड़े और लोहे को नहीं जानते। तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस चीज को नहीं जानते थे, तो घोड़े और लोहे को नहीं जानते थे। ठीक है, अगला हमें ध्यान रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं ये कौन सी नदी के किनारे हैं, किस वर्ष खोजे थे और कौन खोज करता था। ठीक है, ध्यान से समझो। अब ट्रिक को समझना है आपको, नदियों के लिए ट्रिक है कि हरी की मौसी चीज़, जैसे किसी की मौसी चीज़ होती है, कालाघर कोसीरम, कालाघर कोसीरम, आरएस को लोभी आलम ही बचाते हैं, सुधा का वर धोला है। ठीक है, जैसे हरी की मौसी थी जो बहुत चीज़ थी, हरी को घर दे दिया था, हरी ने उसको काला कर दिया था और किराया भी नहीं देता था, और वो रम पी रहा था, तो वो मौसी को सोच रही थी मन में, बोले यार रम पी रहा है और घर काला कर दिया, पैसे दे नहीं रहा है, तो कोस रही थी उसको। अब ये वाली लाइन आप जानते हो कि रुपए को कौन बचाता है? जो लोभी होता है। ठीक है, अब जैसे
लड़कियां शादी के बाद पूछते हैं, बोले इसका पति कैसा है, इसका पति कैसा है, तो सुधा का वर धोला है, ठीक है। तो अब पूरी चारों उनको एक साथ कैसे बोलोगे, हरि की मौसी चीज काला घर कोसीरम, आरएस को लोभी आलम ही बचाते हैं, सुधा का वर धोला है, ठीक है। देखो, ह से बना हड़प्पा, री से बना रावी नदी के किनारे, एक हड़प्पा रावी नदी के किनारे, मौसी से बना, देखो हड़प्पा हो गया रावी नदी के किनारे, मौसी से बना मोहन जोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चीज से बना के चन्हू दड़ो सिंध नदी के किनारे है, काला से और घर से बना के कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। कोसी से बना के कोट दीजी सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। रम से बना के रंगपुर मादर नदी के किनारे है, रंगपुर मादर नदी। आरएस से बना के रोपण सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। लोभी से बना के लोथल भोगबा नदी के किनारे है। आलम और ही से बना के आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। सुदा से बना के सुतका गैडोर दास्क नदी के किनारे है। बर से बना के बनमाली रंगोई नदी के किनारे है। धोला से बना के लास्ट पॉइंट हमें धोलावीरा पढ़ना है, ठीक है। अब इनके सन पढ़ सकते हो कि हड़प, अब एक साथ ऐसे इनके पहले खोजकर्ता पढ़ लो फिर सन पढ़ना, कि हड़प्पा की खोज तो दयाराम साहनी ने की थी, ट्रिक समझना है आपको हट दया हड़प्पा दयाराम साहनी। फिर अगली ट्रिक समझना है मोरा, जैसे जो मोर होती है ना वही वाली, तो मोहन जोदड़ो राखल दास बनर्जी, ठीक है। बोले चंगे चन्हू दड़ो गोपाल मजूमदार, चन्हू दड़ो गोपाल मजूमदार। आगे पूछा, बोले तुम्हारी पत्नी कैसी, बोले काली बीवी कालीबंगा बीवी लाल एवं बीगे थाकर। अगला बोलना है जैसे कोई टाइट कोट है, आप कोट पहन रहे हो शादी में, बोले कोट फंस गया, तो को से बना कोट दीजिए और फ से बना फजल अहमद, ठीक है। आगे बोलना है लो रंग, लो से बना लोथल और रंग से बना रंगपुर, इन दोनों की खोज रंगनाथ राव ने की थी, कि लोथल और रंगपुर दोनों की खोज किसने की थी, रंगनाथ राव ने। अगला ट्रिक बोलना है आलम रोए, मतलब आलमगीरपुर और रोपण, इन दोनों की खोज की थी यज्ञदत्त शर्मा ने, आलमगीरपुर यज्ञदत्त शर्मा और रोपण यज्ञदत्त शर्मा। ट्रिक क्या बोलना है, आलम रोए यहीं पर, आलमगीरपुर और रोपण यज्ञदत्त शर्मा। अगला बोलना है जैसे जो तोता होता है उसको बोलते ना सुअ, तो सोत से बना सुतका गेट और आ से बना ऑरेंज स्टाइल, ठीक है। अगला बोलना है बंधौ रविंद्र, बनमाली और धोलावीरा की खोज की थी रविंद्रनाथ बिष्ट ने, ठीक है। बनमाली और धोलावीरा की खोज किसने की थी, रविंद्रनाथ बिष्ट ने। ब से बनमाली, दो से धोलावीरा, रविंद्रनाथ बिष्ट, ठीक है। अब हमने जिसमें से नदी की ट्रिक पढ़ ली और खोजकर्ता की ट्रिक पढ़ ली, अभी चारों पॉइंटों को ऐसे और सन एक साइड ऐसे बढ़ते आओगे ना लाइन से तो याद हो जाएंगे कि हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, सन था इसका 1921, खोजकर्ता दयाराम साहनी, मोहन जोदड़ो सिंधु नदी 1922, राखल दास बनर्जी, चन्हू दड़ो सिंधु नदी 1931, गोपाल मजूमदार, कालीबंगा घग्गर 1953, बीबी लाल एवं बीके थापर। देखो पहले 21, फिर 22, फिर 31, फिर 53, ऐसे, ठीक है, बढ़ते आना। कोट दीजिए सिंध 1953, फजल अहमद, रंगपुर मादर 1953-54, रंगनाथ राव, रोपण सतलज 1953-56, यज्ञदत्त शर्मा, लोथल भोगबा 1955-62, रंगनाथ राव, आलमगीरपुर हिंडन 1958, यज्ञदत्त शर्मा, सुतका गेडोर दास 1962, ऑरेंज स्टाइल, बनमाली रंगोई 1974, रविंद्रनाथ बिष्ट, धोलावीरा 1990-91, रविंद्रनाथ बिष्ट, ठीक है। आप बस ये दोनों ट्रिकों को ध्यान से समझना, कि नदी वाली को और खोजकर्ता को, यही ज्यादा आते हैं, ठीक है। सन तो एक बार अगर लाइन से पढ़ लोगे ना ऐसे तो आपको याद हो जाए। आगे बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से क्या आता था, मतलब विदेशी व्यापार। तो आप ध्यान से ट्रिक समझना, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको बोलना है आई सोना चांदी की सिटी, जैसे कुकर में सिटी आती, तो आपको क्या बोलना है, आई सोना चांदी की सिटी। आ से बना अफगानिस्तान और ई से बना ईरान, मतलब अफगानिस्तान और ईरान से सोना चांदी शीशा और टिन, ये चारों चीज़ें आती थी, ठीक है। अगला पॉइंट, बोले रात में शीशे का सेल, राजस्थान से तांबा, और तांबा कौन सी खदान से आता था, खेतड़ी खदान से, शीशा और सेल खड़ी, ठीक है, ये कहाँ से आते थे, राजस्थान से। अगला बोलना है, बोले बता सेल कहाँ है, तो बलूचिस्तान से तांबा और सेल खड़ी, ठीक है। अगला, जैसे कई बार देखा है ना हम गुस्से में, तो बोले गुजरात से सेल खड़ी। अब बच्चों को खिलाते तो क्या बोलते, ओता, मतलब ओमान से तांबा आता था। शोक, शोक तो समझते, दुख शोक, सोना कर्नाटक से आता था।
मेला आप जानते हो, हर साल मेला लगता है। तो मेसोपोटामिया से आता था लाजवर्त, आगे बोलना है हिमाशिल, हिमालय से आता था शिलाजीत। ठीक है, अब जो सीरियल देखा हुआ ना अपने, वो कार्टून आता है हनी बनी का झोलवाल, तो बनी बोले बस से बदक है अफगानिस्तान से, नीचे नीलरत्न, और मणि महाराष्ट्र से नीलमणि। ठीक है, आगे बोलना है बोले हद ऐसी अच्छी नहीं होती है, तो हरित मणि दक्षिणी एशिया से। देखो ट्रिक को ध्यान से समझना है, और उत्तर भी देखा करो कैसे निकला। ठीक है, अगला बोलना है कोसो दक्षिण भारत, को से बना कौड़िया, स से बना शंख, और सो से बना सौराष्ट्र और दक्षिण भारत से। क्लियर है? ठीक है, कहां से क्या आता था। आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट क्या हैं, धोलावीरा के बारे में। हम देखो हमें तीन चीज़ तो पढ़ ही चुके हैं कि खोज किसने की थी, कौन सी नदी के किनारे है और कहाँ पर है। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि यहाँ से मिला क्या था और क्या स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा के बारे में। किसकी खोज, सर्वप्रथम खोज 1826 में चार्ल्स मैसन ने की थी। ठीक है, और इसकी खुदाई 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा करवाई गई। इसकी स्थिति क्या है, तो पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। ठीक है, यहाँ के लोगों का प्रिय पशु था कुबड़ वाला सांड, प्रिय खेल था पांसा। अगला पॉइंट ध्यान रखना है, हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था व्हीलर ने। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? व्हीलर ने। यहाँ के लोग अनभिज्ञ थे लोहा धातु से। ठीक है, यहाँ से मिला था तांबे का पैमाना, स्वास्तिक चिन्ह, R-37 कब्रिस्तान। ठीक है, अगला ध्यान रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम यहाँ के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी, यूनानियों ने इसे सिंडोन कहा था। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है कि पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। ठीक है, तो ये हड़प्पा के बारे में पढ़ ली। अब धोलावीरा के बारे में बात करते हैं कि इसकी खोज की थी रविंद्रनाथ बिष्ट ने। ट्रिक भी पढ़ाया था मैं, बंधो रविंद्र के, बनमाली और धोलावीरा की खोज रविंद्रनाथ बिष्ट ने। वहां देखो जो आगे पढ़ा दिया उसको अच्छे से पढ़ लेना, तो यहाँ पर आपको वो आधे पॉइंट याद रहेंगे कि अर्थ क्या रहे, क्या है धोलावीरा का? सफेद कुआं। और इसकी स्थिति क्या थी? गुजरात का कच्छ जिला। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था कि धोलावीरा कहाँ पर है पहले ही, और खोज भी पढ़ ली थी। बनमाली की खोज किसने की थी? तो रविंद्रनाथ बिष्ट ने। ट्रिक क्या थी? बांधो रविंद्र। ठीक है, स्थिति क्या है? हरियाणा हिसार। मैंने बताया था कि राखी बन हरा होता है, ये बन में भगवान होते हैं। ठीक है, यहां से मिला था मिट्टी के हल, जौ, सरसों, तिल आदि। ठीक है, अगला ध्यान रखना है कि कालीबंगा और बनमाली में दो सांस्कृतिक धाराएं प्राक हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि रंगपुर के बारे में। तो खोज की थी रंगनाथ राव ने, और स्थिति थी गुजरात का काठियावाड़ा जिला। यहाँ से मिला था चावल के साक्ष भूसी। ठीक है, मैं ये आपको पहले पढ़ा चुका हूँ आगे के पेजों में कि खोज किसने की थी और इसकी स्थिति क्या थी। बस हमें यहाँ से क्या ध्यान रखना है, मिला क्या था? चावल के साक्ष भूसी। ठीक है, कोट दीजी की खोज फजल अहमद ने की थी। स्थिति थी सिंध प्रांत, और मिला क्या था? पत्थर के बाणाग्र। आप ऐसे बोल लेना है, मैंने बताया था कि कोट फंस गया था, तो कोट में आपने क्या रख लिया? पत्थर के बाणाग्र। कालीबंगा के बारे में बात करते हैं, तो खोज की थी बीबी लाल एवं बीके थापर ने। स्थिति थी राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। और मिला क्या था? जुले जूते खेत के साक्ष कोमा अग्नि कुंड। ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखल दास बनर्जी ने की थी। स्थिति क्या थी? तो पाकिस्तान का लरकाना जिला। अर्थ क्या है? तो मृतकों का टीला। मिला क्या का था? तो बृहद स्नानागार, बृहद अन्नागार, कांसे की नर्तकी, सीप का बना पैमाना और पशुपति की मोहर। ठीक है, रोपण की खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना यज्ञदत्त शर्मा ने। ठीक है, स्थिति क्या थी? तो पाकिस्तान का रोपण जिला। मिला क्या था? तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष। आप ट्रिक कैसे बोल सकते हो? मानव के साथ कुत्ते को रोप दिया। ठीक है, अगला बात करते हैं लोथल के बारे में कि खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने। स्थिति क्या थी? गुजरात का अहमदाबाद जिला। यहाँ से मिला क्या था? तो चावल के साक्ष, आटा पीसने की चक्की, मम्मी के प्रमाण, युगल समाधान, अग्निकुंड, फारस की मुद्रा,
गोदीवाड़ा का साक्ष डाकयार्ड, मनका बनाने का कारखाना, घोड़े की जानकारी, लोमड़ी के अंकन वाली मोहर और हाथी दांत का पैमाना। ठीक है, चन्हू दड़ों की बात करते हैं तो खोज किसने की थी? गोपाल मजूमदार ने। ट्रिक पढ़ाया था मैं, चंगे। ठीक है, स्थिति पाकिस्तान का सिंध प्रांत, यहाँ से मिला क्या था? तो बिल्ली के पैरों के अंकन वाली ईंट, बकराकार ईंट, मनका बनाने का कारखाना और लिपस्टिक काजल के साक्ष्य। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का ये कंप्लीट काफ़ी अच्छा वीडियो है। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारा डाटा पढ़ाया है और अच्छे तरीके से पढ़ाया है। आप बस ध्यान से ट्रिक समझना और पॉइंट समझना, अच्छे से बस पढ़ते जाना, पूरा वीडियो कंप्लीट देखा करो। अगर वीडियो पसंद आता है और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना। अभी 10-15 दिन से लगातार हिस्ट्री के वीडियो आ रहे हैं और वो भी क्रम से, बहुत अच्छे तरीके से। तो आप क्रम से वीडियो देखा करो और अपना टॉपिक कंप्लीट किया करो। धन्यवाद, मिलते फिर अगले वीडियो में कल।